लेके चल नहीं सकते? इडियट। छल्ला रमानी? कौन छल्ला रमानी? अरे आप तो वही है ना जिसका बेटा पतंग उड़ाता है। वाह भाई वाह, मान गए, कितना अच्छा पतंग उड़ाता है, कितना अच्छा खींचता है लोगों का। पर भाई साहब मेरा तो कोई बेटा नहीं है। अरे नहीं है तो हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह, कितना अच्छा एक्सीडेंट हुआ पिछले साल आपकी माता जी का। अरे बेचारी मरी भी तो कैसे मरी, एक शानदार और बड़ी गाड़ी के नीचे आके मरी। अरे कितनी लंबी गाड़ी थी, 1 लाख की गाड़ी थी। हाँ अरे मेरी माँ को मरे हुए तो 10 साल हो गए हैं। तो क्या हुआ, फिर मर जाएगी? हैं, फिर मर जाएगी? You shut up, idiot. Nonsense. ये क्या है? इतना बेसुरा गाड़ी बाबा किए जा रहे हैं, कोई मतलब है? मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। वो जो गाना गा रही है ना, वो मेरी बीवी है, मिस निशा। आपकी बीवी है? तो अच्छा गाएगी, जरूर अच्छा गाएगी। लेकिन ये बेचारी क्या कर सकती है, अगर किसी उल्लू के पट्टे ने गाना ही खराब लिखा हो, कुछ नहीं कर सकती। अरे इसमें तो तानसेन भी बेसुरा हो जाए। हाँ, अब मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये गाना मैंने लिखा है। मैं गुलशन बावरा हूँ, गुलशन बावरा। ओ, क्या है गुलशन जी, आप मेरा मतलब नहीं समझ पाए। अरे मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। पहले तुमने मुझे बाप बना दिया, फिर मेरी माँ को दोबारा मार दिया, फिर मेरी बीवी को बेसुरा कहा, और अब मेरे गाने को भी घटिया कहते हो। अरे साहब चुप रहिए, झगड़ा मत कीजिए। ये चुप क्यों हो जाए? प्लीज सुनीता, गलती इसकी है, इसने इनकी बीवी को बेसुरा कहा, इनके लिखे हुए गाने को 3rd क्लास कहा, बकवास कहा। अगर आप अपने आप को 30 मार्क्स खास समझते हैं तो खुद क्यों नहीं गाते? कम ऑन लेट्स सी। हाँ गाओ, आ जाओ अखाड़े में, बेजू बावरा की औलाद। आइए आइए। थैंक यू। आप वाकई बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं रजनी हूँ। और मैं रजनी। अच्छा जी मैं चलता हूँ। अरे मेरे पापा से तुम मिल के जाओ। पाप? हाँ ये मेरे पापा हैं। पापा इनसे मिलिए, ये मिस्टर शंकर धर्मा। शंकर? हाँ शंकर धर्मा जी। आपको देखकर जी चाहता है कि आपको फौरन गिरफ्तार कर लो। क्यों? एक चोर है जिसकी तलाश हमें बहुत दिनों से है, और आपका हुलिया उससे बहुत मिलता जुलता है। वैसे आप करते क्या हैं? जी जी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। ट्रैवलिंग? आई मीन मेरा मतलब ट्रैवल एजेंसी है। अच्छा। सोनू ट्रैवल्स। और सुनो मेरे छोटे भाई का नाम है। आई सी। वैसे आपकी ट्रैवल एजेंसी? पापा आपने फिर पुलिस ऑफिसर की तरह पूछना शुरू कर दी। चलो शंकर हम तुम्हें छोड़ दें। नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, पता नहीं ड्राइवर अभी तक गाड़ी लेकर क्यों नहीं आया। अरे घबराइए नहीं, अब तक वो नहीं आया तब वो आएगा भी नहीं। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी नहीं मैं चला जाऊंगा, क्योंकि ओबेरॉय होटल में मेरी एक मीटिंग है। मीटिंग है जी। आई सी, बेस्ट ऑफ लक। गफर भाई। ओ शंकर क्या बात है, आपने बहुत देर कर दी। अरे गनीमत समझो कि मैं आ गया, लेकिन आज बहुत बड़ा हाथ मारा है। चलो ना बाबा, मुझे तेरी चोरी का भागीदार नहीं बन, मेहनत की कमाई करता हूँ इसीलिए उसकी तरफ देख भी लेता हूँ। तू अपनी तरफ देख, चोरी छुपे भागता रहता है। अरे कभी पकड़ा गया तो सोचा है क्या होगा? क्या होगा बाबा, धरती फट जाएगी। बाप शराबी जरूर है लेकिन एकदम ईमानदार। और माँ, अगर उस देवी को पता चल गया गड़बड़ है। मुझे लगता है चोरी के बारे में सोनू को थोड़ा बहुत मालूम है।
जितनी मेहनत तू धोखा देने के लिए करता है उतनी मेहनत तू कमाने के लिए करे तो किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बार कह चुका हूँ मेरे साथ काम करो, पता नहीं अच्छा खासा काम करते करते बीच में क्यों छोड़ दिया। देखो गफर भाई, तुम्हारी दिन भर की कमाई 40-50 रुपए, अगर उसमें से हिस्सा करें तो दोनों में से किसी का भी गुजारा नहीं चलेगा। इसका मतलब है तुम चोरी करो। देखो शंकर, जीने के लिए ज्यादा आसान तरीके ढूंढना ठीक नहीं है। गफर भाई, जिस दिन जीना शुरू करूंगा उस दिन सोचूंगा। फिलहाल खुदा हाफिज, सो जाओ। अंदर तब के अंदर सो रहे हैं। मैं यहाँ हूँ बेटे। माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? अगर मैं सो जाती तो हर रात ये सवाल तू किससे करता? माँ क्या हुआ, मैं घर से निकल ही रहा था तो ऐन वक्त पर रईस की किम्पाला आ गई। बॉस ने कहा अभी अभी ठीक करके जाओ। ये सलाह रईस लोगों का काम ऑलवेज अर्जेंट ही होता है, लेकिन भला आदमी है बॉस, मेरा काम अच्छा लगा, फटाक करके 300 रुपया निकाल के दे दी। बस यही एक तसल्ली है बेटा कि तू ठीक काम पे लग गया, लेकिन तू हर रात जब देर से लौटता है ना तो मेरा दिल डूबने लगता है। क्यों? सोचती हूँ तू कहीं गलत सोबत में तो नहीं पड़ गया। अरे अम्मा, सोबत से कुछ नहीं होता, इंसान का वो चरित्र चरित्र मजबूत होना चाहिए। तू सो जा, मैं खाना खा लूँ। अच्छा बेटे। ये घूर घूर के तू क्या देख रहा है? देख यार, ये कहानी माँ के लिए ठीक है लेकिन मुझे उसमें कुछ दम नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कहानी में तेरा चरित्र एकदम चालू है। चल जाके सो जा, ये तो एक झापड़ मारूंगा 5 उंगलियों के निशान तेरे गाल पे छप जाएंगे। बस जरा सी यार वाली बात करो तो बड़ा भाई बन जाता है। सुन महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। सोनू। अरे बाबा यार, मुझे माफ कर दे। पिछली 4 माफी का हिसाब चुका है नहीं, अभी 5वीं मांग रहा है। देख, 5वां माफी का हिसाब मैं एक साथ चुकता कर दूंगा। ओके, कल संडे अपनी 5वां माफी का हिसाब चुका देना। कर दूंगा, जाकर सो जा, भी खाना तो खाने दे। संडे मैं जाता हूँ। अबे इधर उधर चीते की तरह क्या घूम रहे, एक जगह बैठ क्यों नहीं जाता? अरे देखो ना सोनू के बच्चे को, 1 घंटे से संडास में बैठकर गाना गा रहा है और मेरे पेट में तोप के गोले उछल रहे हैं। अरे निकल ना दोनों। अरे ओ दोनों, मेरा ग्लास कहाँ है? अभी लाया पापा। क्या है? मैंने सोनू को बुलाया था, तुम्हें नहीं। जानते नहीं सुबह सुबह तेरी मनहूस शक्ल देखकर मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। दिन तो मैं भी अपना खराब नहीं करना चाहता, लेकिन ये कौन सा ढंग है? जब तक उस बच्चे से शराब मंगाते रहते हो क्या असर पड़ेगा उस पर? अगर सुबह सुबह तुम्हें शराब पीनी है तो खुद को नहीं तकलीफ उठाते। क्या हुआ? इसकी जरूरत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मुझसे सवाल पूछने की? तुमने इसे बताया नहीं? सूरत तो सूरत, मुझे इसकी आवाज से भी नफरत है। तू भी इनसे कह दे माँ, मुझे भी इनकी आवाज से कोई प्यार नहीं है। शंकर, अपने बाप से बात करने का ये कौन सा ढंग है? माना कि तेरी कमाई से ये घर चलता है, इसका मतलब ये नहीं बाप से जुबान लड़ाओ, चल जाए यहाँ से। तुम भी चुप रहा करो जी, क्यों जवान बेटी के मुंह लगते हो? क्यों जाता है उनके कमरे जब तुझे अपने बाप का स्वभाव मालूम है? क्यों बहस करता है उनके साथ? बाप है ना, इसलिए।